हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेमर ऑन फायर। मेरा नाम मुताहिर, आप देख रहे हैं गेमर ऑन फायर चैनल। तो आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ GTA 5 की स्टोरी के ऊपर। तो ये वीडियो है और पाए था 7 के मास्टर ओरिजिनल। वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक 7 के मास्टर के दोनों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और भी बहुत सारी ऐसे स्टोरीज के ऊपर मतलब गेम्स के ऊपर आते हैं, और बाकी GTA सैन एंड्रियास, वाइस सिटी, सबकी स्टोरी उन्होंने बता रखी है। तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा 7 के मास्टर को भी। और बाकी हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है मो ऑलराइट चलिए गाइस, वीडियो कुछ 3 2 1। ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है मोहित, एके द 7K मास्टर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा GTA 5 की स्टोरी लाइन के बारे में। तो काफी कमेंट्स के बाद फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो GTA 5 गाइस, हम सब ने वैसे मैंने GTA 5 नहीं खेल रखा, क्योंकि स्पेक्स भी मैच नहीं करते हैं। मतलब कुछ हमारा इंशाल्लाह चैनल मशहूर होगा या आप, तो फिर ज़रूर मैं करूँगा GTA 5 की स्टोरी वगैरह। जब किसी और को GTA 6 आ गई हो तो आप देखेंगे। अभी मैं थे GTA 5 नहीं खेला, आप सबको पता है। खेला है, लेकिन सब लोग ये गेम स्टोरी के लिए नहीं खेलते। कुछ सिर्फ ऑनलाइन खेलते हैं एंड कुछ को सिर्फ मिशन से मतलब है, स्टोरी से नहीं। लेकिन इस वीडियो करेक्ट, में गेम के 5 ईयर्स रिलीज होने के बाद गेम की स्टोरी को हिंदी में डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो 5 ईयर्स जब थी तब की है। तो GTA 5 का एक्सपेरियंस एनहेंस वर्जन भी आने वाला है, तो 5 ईयर से तब आप में मतलब 7 8 ईयर्स अगर होने आपको ये वाले वीडियो हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड सीरियसली गाइस, कुछ ज़्यादा ही वर्क करना पड़ा इस वीडियो पे, तो प्लीज़ चैनल मेक श्योर टू सपोर्ट द 7K मास्टर। को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं पॉज नहीं करूंगा, ऐसे हर एंड चैनल मर्जा के के लिए करा हो जाता अलावा है। मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ नाउ लेट्स जस्ट बिगिन। इंट्रो कितना अच्छा है 7K मास्टर का। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है नॉर्थ यैंगटन, जहां माइकल टाउनली, ट्रेवर फिलिप्स एंड उनका थर्ड साथी ब्रैड, जो कि एक बैंक रॉबरी करते हैं। लेकिन ये बैंक रॉबरी स्टार्टिंग से ही गलत दिशा में चली जाती है। एंड FIB, जो कि रियल लाइफ FBI का इन्वर्टेड वर्जन है इस गेम का, तो FIB ब्रैड एंड माइकल को गोली मार देती है। एंड प्लान ट्रेवर को भी पकड़ने का होता है, लेकिन ट्रेवर वहाँ से भाग जाता है। माइकल टाउनली की लाश को दफनाया जाता है, लेकिन पता लगता है कि माइकल जिंदा है, जो कि अपनी डेथ को फेक कर रहा है। लेकिन ट्रेवर को यही लगता है कि माइकल मर गया है। एंड ब्रैड की कोई खबर ना होने के कारण उसे लगता है कि ब्रैड को FIB ने पकड़कर जेल ये जो बंदा है, जो मतलब प्रीस्ट वगैरह जो है, वो बिग माफिया लग रहा है। टेक्नो गेमर की वीडियो में बिग माफिया लग रहा है, बंद पता कर नहीं रखा क्यों। है अब एक्चुअल। तो बिग माफिया तुमका बिग माफिया के भाई वगैरह आगे से स्टोरी है। जो लोग टेक्नो गेमर को नहीं देते तो फिर उसका वो देख लिया करे, इतना मशहूर यूट्यूब वाला। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने की जरूरत भी नहीं होनी मुझे, आप लोग जानते ही एंड होंगे। माइकल अपने साथियों के साथ धोखा करता है। FIB उसे अपॉर्चुनिटी देती है कि वो ये रोबरी फेल करा दे, एंड वो उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्लान के अंदर उसके पिछले सारे क्राइम माफ कर देंगे एंड उसे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का मौका देंगे। His name is Dave Norton, nice guy, realist. He gets the glory, I get out. माइकल की एक फैमिली है तो वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अब 9 साल बाद माइकल अपना नाम चेंज कर माइकल डिसेंटा बन लॉस सैंटोस में एक बड़े घर में रहता है। लेकिन वो बड़े घरानों की फैमिली प्रॉब्लम से परेशान है, इसलिए वो थेरेपी सेशंस में जाता है। यहीं पे ये मैं फैंटम देखा की हुआ है। एंट्री होती है, जो अपने साथी लमार के साथ एक करप्ट कार सेल्समैन के यहाँ काम करता है। माइकल का बेटा जिमी इसी कार सेलर से हैवी इंटरेस्ट लोन पे एक कार ले जाता है। कार की लोन डेट आने से पहले ही यहाँ का ओनर फ्रैंक को इस कार को रिकवर करने को भेजता है। लेकिन कार वापस लाते माइकल कार के अंदर ही होता है, जो फ्रैंक को उसके मालिक का शोरूम तोड़ने के लिए कहता है। इसी के साथ फ्रैंक आउट ऑफ जॉब है एंड वो माइकल से कुछ काम के लिए उसके घर जाता है। एंड इसी बातचीत के बीच माइकल को उसके बेटे का फ़ोन आता है, जिसे बचाने के लिए फ्रैंक माइकल की मदद करता है एंड दोनों फ्रेंड्स बनते हैं। माइकल को अपनी वाइफ अमेंडा टेनिस कोच के साथ सोती मिलती है एंड वो फ्रैंकलिन के साथ इस टेनिस कोच का पीछा करते एक मेंशन तक पहुंचते हैं। एंड गुस्से में माइकल वेंच से इस घर को तोड़ देता है। ओह, ये मैं बिग बॉस शिवम की वीडियो में देखा था, एक उसने मिशन किया था ये वाला लाइव स्ट्रीम में शायद। असल में ये घर टेनिस कोच का नहीं बल्कि मैक्सिकन ड्रग डीलर
मार्टिन मद्राजो की गर्लफ्रेंड का होता है, हैनी से रिबिल्ड करने के लिए एंड माइकल की जान बख्शने के लिए मार्टिन माइकल से पैसे मांगता है एंड माइकल के पास इतने पैसे नहीं होते एंड पैसे कमाने का माइकल को सिर्फ एक ही तरीका आता है एंड वो अपने साथी लेस्टर जो कि एक क्रिपल्ड हैकर है उसे फोन करता है एंड उससे ज्वेलरी स्टोर लूटने के बारे में डिस्कस करता है। माइकल फ्रैंकलिन एंड अदर क्रू मेंबर्स को इकट्ठा कर ये स्टोर सक्सेसफुली लूट लेता है एंड स्टोर लूटते वो वहाँ के गार्ड से अपना फेमस डायलॉग बोलता है। जिसे टीवी पर दिखाया जाता है। माइकल इस स्टोर की मनी से मद्राजो के पैसे वापस कर देता है लेकिन FIB स्पेशल एजेंट डेव नॉर्टन जिसने माइकल का क्राइम रिकॉर्ड इरेज किया वो माइकल को वॉर्न करता है कि ट्रेवर ये न्यूज देख उसे ढूंढने आएगा एंड यही होता है। ट्रेवर अपने दोस्त का मशहूर डायलॉग टीवी पर देख सोचता है कि शायद माइकल जिंदा होगा क्योंकि अब तक ट्रेवर को लगता था कि माइकल मर गया है एंड वो अपने कॉन्टैक्ट से माइकल की लोकेशन का पता लगाता है। ट्रेवर लॉस सैंटोस के बाहर वाले एरिया ब्लेन काउंटी में रहता है एंड ये उससे उसका बड़ा था GTA 4 का जो था जॉनी। ये GTA 4 जो है GTA 4 ने GTA 4 का जो ग्लैमरिन आया था लिबर्टी सिटी स्टोरीज उसमें इसको मारा था। एपिसोड फ्रॉम लिबर्टी स्टोरीज एपिसोड फ्रॉम लिबर्टी का जॉनी था उसमें दो गेम्स हैं तो उसमें जॉनी भी होता है। ड्रग्स एंड गन्स का बिजनेस करता है एंड इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए वो अपने सारे कंपटीशन को वहाँ से हटा देता है एंड अगर मैं काउंट करूँ कि ट्रेवर किन किन से लड़ाई जोखिम में लेता है तो सबसे पहले वो लॉस्ट मोटरसाइकिल क्लब को उड़ा देता है एंड उसके बाद सेवरल लैटिन अमेरिकन स्ट्रीट गैंग्स को एंड उसके बाद उसके राइवल बहुत ही ड्रेवर्ड को एंड इसी बीच वो एक प्राइवेट आर्मी मैरी वेदर से भी पंगा ले लेता है एंड उसी के साथ वो एक चाइनीज किंग पिन वे चेंग से भी पंगा ले लेता है। लेकिन इन सब से लड़ने के बाद ट्रेवर माइकल से दोबारा मिलता है लेकिन माइकल की फैमिली से रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं एंड माइकल की फैमिली उसे छोड़ देती है। अब FBI स्पेशल एजेंट स्टीव हेंस अपने पैसों की प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन एंड लेस्टर को यूज़ कर अपने डर्टी काम कराता है जिसमें हम राइवल एजेंसी IIA के फंड्स चुरा FIB को देते हैं। IIA के द्वारा बनाए जा रहे एक नर्व एजेंट जो कि IIA गवर्नमेंट से फंड के लिए टेररिस्ट को देने वाली थी FIB उसे भी चुराने का प्लान बनाती है लेकिन इस मिशन को करने के लिए वो हमसे ही पैसे मांगते हैं एंड जैसा मैंने पीछे कहा माइकल को पैसा बनाने का सिर्फ एक ही तरीका आता है एंड इस बार हम ब्लेन काउंटी का बैंक लूटते हैं एंड इससे हम हेलीकॉप्टर एंड कुछ इक्विपमेंट्स ले IIA की एजेंसी से वो नर्व एजेंट भी चुरा लेते हैं लेकिन स्टीव हेंस को बचने के लिए अपने आप को गोली मारनी पड़ती है जिससे IIA स्टीव हेंस पर शक करती है। हेंस माइकल को डेविन वेस्टन से मिलाता है जो कि एक मिलियनेयर है एंड माइकल को खरीदने के लिए वो उसके फेवरेट प्रोड्यूसर रिचर्ड सोलोमन के स्टूडियो में माइकल को काम दिलाता है। माइकल सोलोमन के लिए काम कर असिस्टेंट मूवी प्रोड्यूसर बनता है लेकिन वेस्टन इस मूवी को बंद कर इंश्योरेंस क्लेम लेना चाहता है एंड माइकल अब इसे बंद हो ये टेक्नो गेमर से भी ऊंचा चला है मौली वगैरह चाहता है। सेक्रेटरी मूवी फिल्म के साथ अपने प्राइवेट प्लेन में भागने की कोशिश करती है लेकिन माइकल एंड पुलिस का पीछा करते मौली प्लेन के इंजन में आ ये आया था उसमें भी अभी पिछले एपिसोड में टेक्नो गेमर की जाती है लेकिन माइकल मूवी को बचा लेता है एंड अब वेस्टन माइकल से बदला चाहता है। मार्टिन मद्राजो अपनी सीक्रेट फाइल्स को एक प्लेन से चुराने के लिए ट्रेवर एंड माइकल को कहता है जो कि उड़ते प्लेन को नीचे गिरा फाइल्स रिकवर करते हैं। ट्रेवर फाइल्स के साथ मार्टिन से इस जॉब के लिए पैसे मांगता है लेकिन मार्टिन के गुस्सा करने पे ट्रेवर मार्टिन की वाइफ को ही किडनैप कर लेता है जिससे माइकल का लॉस सैंटोस जाना ऑलमोस्ट बैन हो जाता है। लेकिन ट्रेवर मैरी वेदर की ट्रेन से पास हो रहा गोल्ड का स्टैचू चुराता है जिसे माइकल मार्टिन को देने के लिए कहता है। बदले में माइकल ट्रेवर को यूनियन डिपॉजिटरी द बिग स्कोर करने के लिए कहता है जो कि इन दोनों का सबसे बड़ा प्लान था एंड इसे पूरा करने के लिए ट्रेवर ये स्टैचू माइकल को दे देता है जिसे माइकल को लॉस सैंटोस में दोबारा एंट्री मिलती है। ट्रेवर एंड माइकल के झगड़े में ट्रेवर माइकल से पूछता है कि अगर वो जिंदा है तो उसकी कब्र में कौन दफन है। माइकल बात को घुमाने की कोशिश करता है कि ट्रेवर नॉर्थ यंगटन जा वहाँ ब्रैड को दफन देख सब समझ जाता है एंड वो माइकल पे भरोसा करना बंद कर देता है। यहीं ट्रेवर के दुश्मन चाइनीज वे चेंग माइकल को किडनैप कर लेते हैं ये समझ कि इससे ट्रेवर उनकी बात मानने लगेगा एंड वो माइकल को लॉस सैंटोस ले आते हैं जहां फ्रैंकलिन लेस्टर की हेल्प से माइकल को मरने के सेकंड्स पहले ही बचा लेता है। अब हमें स्टीव हेंस बताता है कि उसकी एजेंसी उसी पे शक कर रही है इसलिए वो FIB के सर्वर से उसका सारा डाटा डिलीट करने को कहता है लेकिन माइकल ये अपॉर्चुनिटी देख हेंस का उससे कंट्रोल हटाने के लिए अपना ही सारा डाटा FIB सर्वर से डिलीट करता है एंड वहां से सक्सेसफुली भाग जाता है। अब फ्रैंकलिन का दोस्त लमार मुश्किल में होने के कारण फ्रैंक माइकल एंड ट्रेवर को फोन करता है
एंड लमार को उसी के दोस्त स्ट्रेच से बचाता है। माइकल के पिछले इंसिडेंट के बाद स्टीव हेन्स माइकल को मारना चाहता है, लेकिन स्टीव हेन्स का साथी बाकी FIB मेंबर्स को ये सब इन्फॉर्म कर देते हैं एंड वहीं IIA भी स्टीव हेन्स को पकड़ने आ जाती है। मोर ओवर IIA के साथ मैरी वेदर भी वहां पर पहुंच जाती है एंड इस स्टैंड ऑफ के बीच माइकल को एन मौके पर ट्रेवर बचाता है, जो कि कहता है कि माइकल को सिर्फ वही मारेगा एंड यहां से बच दोनों यूनियन डिपॉजिटरी को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं, दोस्त रहकर नहीं सिर्फ पार्टनर्स रहकर। एंड इस लास्ट जॉब के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते जाएंगे। लेस्टर यूनियन डिपॉजिटरी की बिल्डिंग को अच्छे से एनालाइज करता है एंड माइकल सटल तरीके से यहाँ से 4 टन गोल्ड मूव करने वाली वैंस को होस्टेज बना इस बिल्डिंग में एंट्री लेते हैं एंड खुद वर्कर्स बन यहाँ से 22-24 करोड़ का सोना चुरा लेते हैं एंड लेस्टर इस गोल्ड को टाइम आने पर पिघला सबको उनका उनका हिस्सा दे देगा। लेकिन एंड यहाँ नहीं होता, अब डेविन वेस्टन फ्रैंकलिन को माइकल को मारने के लिए कहता है एंड FIB फ्रैंकलिन को ट्रेवर को मारने के लिए कहती है, लेकिन फ्रैंकलिन थर्ड ऑप्शन कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है, ये उन्होंने सारी स्टोरीज निपटाई द सेवन के मास्टर ने, तो आप गूगल कर सकते यूट्यूब पर देख सकते हैं, मतलब किल ट्रेवर भी होता है किल माइकल भी, फ्रैंकलिन कोई भी कर सकते हैं, लेकिन डेथ स्पीच सबसे अच्छी होती है, मतलब इसमें तीनों जिंदा रहते हैं। एक सुसाइड मिशन चूज करता है जहां वो लेस्टर की मदद लेकर दोनों को बचा लेता है एंड यहां हमें FIB मैरी वेदर्स की बहुत सारी वेव्स को मारना पड़ता है एंड यहां से बचने के बाद तीनों डिसाइड करते हैं कि जिंदा रहना है तो उनके सारे दुश्मनों को मारना पड़ेगा, इसलिए फ्रैंकलिन ट्रेवर के दुश्मन चाइनीज वे चेंग को मार देता है एंड ट्रेवर माइकल के दुश्मन स्टीव हेन्स को एंड माइकल फ्रैंकलिन के दुश्मन हार्नोल्ड स्ट्रेच जोसेफ को एंड लास्ट में तीनों मिलकर डेविन वेस्टन को भी ख़त्म कर देते हैं एंड यहीं FIB एजेंट डेव नॉर्टन तीनों की हेल्प करेगा उनके क्राइम रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए एंड यहीं से तीनों दोस्त की तरह अपनी अपनी मंजिल पर निकलते हैं एंड यहीं इस गेम का एंड होता है। तो गाइस यही थी पूरी स्टोरी GTA 5 की एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस। हाँ जी, अगर मेरी रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर और ट्रैवल के मास्टर को भी जरूर सपोर्ट करें एंड अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज लाइक बटन पर लाइक कीजिएगा एंड अगर बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब। यही गाइस इस वीडियो के बाद बाकी सारी वीडियोस में हमेशा रेगुलर शेड्यूल से अपलोड करूंगा एंड तब तक के लिए मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो पे, टिल देन सी यू। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसे रिएक्शन कैसा लगा था जरूर बताएगा। 7 के मास्टर की स्टोरी में बस बहुत हार्ड वर्क है तो दोनों को सपोर्ट किया मुझे भी और 7 के मास्टर को भी। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो को देता है, उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पर 300 को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लव एंड बाय बाय या फू।